और हमारी अगली प्रस्तुति है ठाणे मुंबई से पधारे श्री रूपेश सुरबे और दार्जिलिंग से पधारे निशांत सिंह का पखावज वादन। इससे पहले कि इन दोनों कलाकारों को हम सुने, इनसे जो बातचीत हमने की थी वो आपको सुनवाते हैं। भगवान शंकर और गणेश जी के प्रिय वाद्य पखावज ने आदि काल से लेकर अभी तक अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। तो आइए पखावज पर्व के चौथे दिन की दूसरी प्रस्तुति के कलाकारों से आपको मिलवाती हूँ। हमारे साथ हैं श्री निशांत सिंह जी और श्री रूपेश सुरवे जी। निशांत जी, आपका हमारे पखावज पर्व में हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अपने घराने के बारे में कुछ हमें बताएं। जी, मेरा घराना है लाला केवल किशन जी घराना। वो मथुरा से थे पर बंगाल में बहुत सालों से वो रहे, और हमारे बंगाल में तीन चक्रवर्ती ब्रदर्स थे, रामचंद्र चक्रवर्ती, निमाई और निताई चंद्र चक्रवर्ती थे। तो ये पखावज सीखने लगे उनके अंडर में। फिर उसके बाद ये सिलसिला कायम रहा हमारे गुरुजी के दादाजी मृदंगाचार्य दुर्लभ चंद्र भट्टाचार्य, फिर उनके पोते अभी हमारे गुरुजी पंडित चंचल कुमार भट्टाचार्य, हम उनसे तालीम ले रहे हैं। और ये घराना अभी बंगाल में सिर्फ एक ही बचा है पूरे भारतवर्ष में, और हमारे गुरुजी अभी इस वाद्य क्षेत्र में इस घराने के सिर्फ एक ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रुपेश जी, आप अपने घराने के बारे में हमें कुछ बताएं। मैं नानापन से घराने से बिलोंग कर रहा हूँ। पंडित वसंतराव जी घोरपड़ जी के शिष्य श्री विश्वनाथ जी पाटिल और पंडित ज्ञानेश्वर डिंगोरकर जी से मैं अभी विद्या प्राप्त कर रहा हूँ। निशान जी, आज पखावज पर्व पे आप हमारे दर्शकों के लिए क्या विशेष प्रस्तुत करना चाहेंगे? आज इस इतने बड़े पर्व में भोपाल ध्रुपद संस्थान और डीडी मध्य प्रदेश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम लोग आज चौताल प्रस्तुत कर रहे हैं अपने अपने घरानों के, विशेष खानदानी कुछ परने और रेले ये सब बजाएंगे। आज मैं ताल चौताल बजा रहा हूं, उसमें प्रस्तार लयकारिया चक्रदार फरमाइश कमाली और रेला बजाकर तिहाई से समाप्ति करने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। पखावज पर्व की इस सभा के जो अगले कलाकार हैं रूपेश सुरवे और निशांत सिंह से बातचीत आपने सुनी। आपके साथ आज की सभा में जो कलाकार संगत कर रहे हैं, हारमोनियम पर हैं श्री जमीर हुसैन खां, हमारे शहर के और प्रदेश के जाने माने संगीत कंपोजर हैं और खुद बहुत अच्छे ख्याल गायक भी हैं। सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री मुन्ने खां। आपने संगीत की तालीम अपने वालिद उस्ताद रसूल खान साहब से हासिल की और बाद में स्वर्गीय उस्ताद पद्मश्री अब्दुल लतीफ खान साहब से सारंगी वादन की बारीकियां सीखी। तानपुरी पर हैं सोमी घोष, और जैसा कि बातचीत में रुपेश जी और निशांत सिंह ने आपको बताया कि वे पखावज पर प्रस्तुत कर रहे हैं चौताल। इसके अंतर्गत आप प्रस्तार लयकारियां चक्करदार खानदानी परने रेला आदि प्रस्तुत करेंगे। आइए सुनते हैं।